वीडियो आ चुका है और आप रिएक्शन वीडियो देखना चाहते हो तो 40 सेकंड स्किप करके देख सकते हो। तो की बात करें जो एशिया कप का फाइनल मैच जो कि श्रीलंका और भारत के बीच में चल रहा था और भारत ने ये मैच आसानी से जीत लिया है और रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने नाबाद रहकर 10 विकेट से ये मैच जीता दिया है और मात्र श्रीलंका ने सिर्फ 50 रन बनाए थे और भारत ने आसानी से रहकर 10 विकेट से मैच जीत लिया। और भारत की ओर से मोहम्मद सिराज ने ब्रिलियंट बॉलिंग की, मोहम्मद सिराज ने शानदार बॉलिंग के पश्चात मोहम्मद सिराज ने 6 विकेट लिए और हार्दिक पांड्या ने 3 विकेट लिए। और बात करें तो पाकिस्तानी मीडिया में हलचल मच चुका है, आप पहले पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन वीडियो वॉच कीजिए। अच्छा लगा आपको रिएक्शन वीडियो, अच्छा लगा तो हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। और बात करें जो कि श्रीलंका और भारत के बीच फाइनल मैच आ, भारत ने बड़ी आसानी जीत लिया और पहले ही यही सोच रखा था इंडियन मीडिया और पाकिस्तानी मीडिया ने कि यह मैच भारत ही जीतेगा और भारत की ओर से मोहम्मद सिराज ने गजब की बॉलिंग की, ब्रिलियंट बॉलिंग, ज़बरदस्त बॉलिंग। मोहम्मद सिरवा आरसीबी की ओर से खेलते हैं, शानदार बॉलिंग की और हार्दिक पांड्या ने 3 विकेट लिए और रोहित शर्मा ने और शुभमन गिल ने आते ही 10 विकेट से 50 रन, मात्र 50 रन थे, दोनों ने नाबाद रहकर 10 विकेट से मैच जीत लिया है और भारत जो कि 8वीं बार एशिया कप का दावेदार बन चुका है, 8वीं बार जीत चुका है। और पाकिस्तानी मीडिया रो रहा है कि हमारी टीम फाइनल तक में नहीं पहुँच पाई और श्रीलंका जो कि फाइनल में छोटी टीम थी लेकिन फाइनल में, और श्रीलंका के पास ये भी था कि वो अपने होम ग्राउंड पर खेल रही थी इसी के कारण वो फाइनल में पहुंची है। लेकिन पिछली बार वो कि दुबई में खेल कर भी फाइनल जीती थी ये पाकिस्तान नहीं मानते हैं, लेकिन श्रीलंका ने ब्रिलियंट क्रिकेट खेली है, श्रीलंका की ओर से भी गजब की क्रिकेट खेली, लेकिन फाइनल मैच में श्रीलंका ने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया, इसके बावजूद फाइनल में वो हार चुकी है और भारतीय मैच जीत चुकी हैं और भारत की ओर से मोहम्मद सिराज गजब गजब गजब। और आपको ये रिएक्शन वीडियो अच्छा लगा और आपको जो भी आपने रिएक्शन में देखा वो अपने कमेंट में बताइए। और ऐसे ही हम ऐसे कप तो ख़त्म हो चुके हैं, वर्ल्ड कप की अपडेट इस चैनल पर लाते रहेंगे, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।